हेलो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू साइंसिया ब्रेनरी। वी नो दैट द इंसेक्ट ग्लोबल डाइवर्सिटी इट इज थ्रेटन्ड ड्यू टू हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन, पैथोजेंस, इन्वेजिव स्पीसीज एंड क्लाइमेट चेंज। सो ऑल दीज फैक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ इंसेक्ट ग्लोबल डाइवर्सिटी। एंड वी नो दैट जो इंसेक्ट्स हैं दे कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड्स मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ओके, एंड दे प्रोवाइड द क्रिटिकल सर्विसेज विद इन द इकोसिस्टम्स। मीन्स जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट का जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है, एक्चुअली दे हैव ए क्रिटिकल रोल टू प्ले इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, ओके। एंड इन दिस कंटेक्स्ट टू स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ द इंसेक्ट्स इट इज क्रिटिकल इन द ट्रॉपिकल एरियाज, स्पेशली इन द कंट्रीज लाइक इंडिया which are highly vulnerable to climate change. So that's why in this context, recently the dragonflies and damselflies, which belongs to the, we can say the order Odonata. So we can say that Odonates, they have been identified or spotted at the coal wetland area of the central Kerala. ठीक है, जो coal wetland area है central Kerala में, that is also a Ramsar site. ओके, आई विल टेल यू वट आर द रामसर साइट्स इन द कमिंग स्लाइड्स। सो जो ये ड्रैगन फ्लाइज हैं, दे बिलोंग टू द ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमसल फ्लाइज, बोथ दे बिलोंग टू द ऑर्डर ओडोनेटा। ओके, वी नो दैट इन द इंसेक्ट पेस्ट को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो दे बिलोंग टू द डिफरेंट ऑर्डर्स। ओके, तो जो ये ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमसल फ्लाइज हैं, दे बिलोंग टू द ऑर्डर ओडोनेटा। और जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, एक्चुअली जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, दे बिलोंग टू द सब ऑर्डर एनिसोपटेरा। एंड जो डेमसल फ्लाइज हैं, दे बिलोंग टू द सब ऑर्डर जाइगोपटेरा। ओके, दे बिलोंग टू द सेम ऑर्डर ओडोनेटा, बट सब ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। ड्रैगन फ्लाइज जो है, इनका सब ऑर्डर है एनिसोपटेरा, और डेमसल फ्लाइज का सब ऑर्डर है जाइगोपटेरा। ओके, एंड यू कैन सी दैट दिस ड्रैगन फ्लाइज, इट इज आल्सो एस्टिमेटेड दैट इट इज आल्सो प्रेडिक्टेड दैट दे मे हैव ए क्रिटिकल रोल इन controlling the insect or pest control which are harmful for the various agricultural activities. Okay, so let's start the discussion. And you can see that recently it is in news, this article, and it was published in the Hindu, that 44 species of odonates they spotted in the coal fields. Okay, so jo coal fields hain, jaise ki main bata raha tha ki odonates means dragon flies and damsel flies. Okay, so the researchers, they have spotted 44 species of these odonates, you can say that dragon flies or damsel flies, in the coal wetland area, jo ki ek Ramsar site bhi hai. And this coal wetland area, it is spread over the Thrissur and Malappuram districts of central Kerala. Okay, so they have spotted, the researchers have spotted about 30 species of dragon flies and 14 species of damsel flies. Okay, एंड वी नो दैट कि जो इसके लिए जो ओडोनेटा है, ओडोनेटा को जो ये ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमसल फ्लाइज हैं, यू कैन सी दैट एक्चुअली दिस रिसर्च इट इज पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ थ्रेटन टेक्सा। ओके, एंड द स्टडी वाज कैरीड आउट इन द कोल बेटलैंड एरिया ऑफ सेंट्रल केरला। ओके, सो देर इज ए वन डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर दिस ग्रुप ऑफ यू कैन से इंसेक्ट्स, वेदर ड्रैगन फ्लाइज और डेमसल फ्लाइज विच बिलोंग्स टू द ऑर्डर ओडोनेटा। सो देर इज ए पर्टिकुलर डेडिकेटेड वेबसाइट ऑल्सो बाई, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाई द, यू कैन से दैट ओडोनेटा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है। ओके, तो ओडोनेटा ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस वेबसाइट वेर यू कैन फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर डाइवर्सिटी। ओके, मीन्स देयर बायोलॉजी, देयर लाइफ साइकिल एंड देयर स्पीसीज, सब स्पीसीज, एवरीथिंग एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अगर हम करंटली बात करें तो रिसेंटली अप टू, मीन्स इफ यू टॉक अबाउट द अप टू डेट डाटा, सो ग्लोबली देयर आर अबाउट 6,312 स्पीसीज ऑफ ओडोनेट्स। ओके, ग्लोबली, एंड अमंग दिस 503 स्पीसीज दे आर फाउंड इन इंडिया, एंड दिस 503 सब स्पीसीज दे हैव द 27 सब स्पीसीज, एंड ऑल दिस स्पीसीज जो हैं दे बिलोंग टू 154 जनरा एंड 18 फैमिलीज। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो, एंड अबाउट 186 स्पीसीज जो हैं दे आर एंडेमिक इन इंडिया। एंडेमिक मीन्स विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर, और यू कैन से दैट विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पर्टिकुलर स्पेस, प्लेस, और ओके, जो कि विच आर फाउंड इन
that particular area only regularly. Okay. So which are restricted to the certain particular space. Okay. Place. Okay. मीन्स किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही पाई जाती हैं. तो एंडेमिक, सो ये जो एंडेमिक स्पीसीज हैं 186, सो वी कैन से दैट मेजरली मेजोरिटी केसेस में दे आर फाउंड इन द, वी कैन से दैट दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया. वन इज योर वेस्टर्न घाट्स एंड अनदर वन इज योर नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ओके. सो ये जो अगर हम बात करें तो जैसे मैं बता रहा था कि ड्रैगन फ्लाई एंड डैमसल फ्लाई बोथ बिलोंग टू द ऑर्डर ओडोनेटा एंड बट जो ड्रैगन फ्लाई है डेट बिलोंग टू द सब ऑर्डर एनिसोपटेरा एंड दिस डैमसल फ्लाई इट बिलोंग टू द सब ऑर्डर जाइगोपटेरा. तो डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर मॉर्फोलॉजिकली सिंपल डिफरेंस देखें तो जो ड्रैगन फ्लाई है ना जब ये रेस्ट करती है, ठीक है, मीन्स तो इसके जो विंग्स है ना एक्चुअली दे आर एनलार्ज्ड. तो जब ये रेस्ट करती है तो इसके विंग इस तरह से रहते हैं, एनलार्ज्ड रहते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से आउटस्ट्रेच्ड रहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्ट. ओके. और इसमें विंग बेस भी जो होता है वो बड़ा होता है, तो जो इसका विंग का जो ये बेस है ना दैट इज आल्सो एनलार्ज. और जब ये रेस्ट करती है तो इसके विंग्स जो होते हैं वो स्ट्रेच्ड होते हैं इस तरह से, ठीक है. बट जो डैमसल फ्लाई है इसके जो विंग होते हैं ना दे आर एक्चुअली मतलब एक कंट्रैक्टर होते हैं, मतलब एक तरह से टुगेदर रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं ड्यूरिंग द विंग्स. तो इस विंग्स आर टुगेदर ड्यूरिंग द रेस्ट एंड इट हैज ए सिलेंडर बॉडी एंड ड्रैगन फ्लाई इट्स विंग्स दे आर आउटस्ट्रेच्ड व्हाइल हैविंग रेस्ट एंड इट्स विंग्स they are together while having the rest. Okay. So this is the main difference between the dragonfly and damselfly. Both belong to the different suborder. Okay. So the study was conducted in the coal battleland area of this is the location of that coal battleland area in India. And this green one is the lakes and these are the sampling locations, sampling locations where the samples were studied. In the red marks and this blue one are the rivers and these are pink one the purple pink, but they are the local boundaries of that particular area. Okay. So actually what has happened in this study, the 44 species of odonates they have been found and they belong to, the researchers have said that they belong to 33 genera and 8 families. Okay. And they were reported in the coal battleland area jo ki ek Ramsar site bhi hai, theek hai. So particularly they have found that different we can say that main species is that Kerala dartlet, okay, jo ki ek damsel fly hai and that is endemic to western ghat region. Okay. And then there is a another one is green eyed spread wing. Okay, green eyed spread wing, that is also a damsel fly and it was recently reported in the Kerala state. Okay. And there is another one is your rare dusky lily scatter. Okay. And these are the main important species which were observed by the researchers in the coal battleland area recently. Okay. And we can say that the researchers they have highlighted the coal battleland area as an important agro ecosystem. Okay. And they have while they were studying the species richness, so they have found that the richness of species it was high during the post monsoon season. Okay. While it was decreased during the summer season mein. Okay. तो पोस्ट मॉनसून सीजन में जो ज्यादा डाइवर्सिटी थी, मतलब ज्यादा रिचनेस थी जो ये ओडोनेट्स हैं, और समर सीजन में इनकी जो रिचनेस है वो कम हो गई, ठीक है. तो समर सीजन में इनको कम देखने को मिले बट पोस्ट मॉनसून सीजन में ज्यादा थे, ठीक है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट यू कैन से दैट माइक्रो हैबिटेट ऑफ दैट कोल बेटलैंड एरियाज की. तो ठीक है, तो दिस इज ए काइंड ऑफ मार्शी और स्मैप एरिया है, ठीक है. तो दिस इज वी कैन से दैट दिस इज ए वेजिटेटेड पॉन्ड, ठीक है. दिस इज ए कैनाल एरिया, ओके. And this is a paddy field, hai, okay, with the we can say that with herbs, okay. And this one is a we can say that this one is a tall grass beds, hai, okay. And these were the groups at the edge, and we can say this is the flooded area, okay. So these are the locations of coal battleland area, some of the micro habitats in that coal battleland area, okay. सो जैसे कि रामसर साइट की बात कर रहे थे, मैं बोल रहा था कि जो कोल बेटलैंड है दैट इज एक रामसर साइट है, ठीक है. तो रामसर साइट्स होते क्या है, रामसर बेटलैंड्स के होते क्या है, ठीक है. सो एज पर द रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर कन्वेंशन हुई थी, ठीक है. सो रामसर कन्वेंशन हुई थी, मतलब एक तरह से जो ये टर्म है रामसर साइट्स, ठीक है, ये वहीं से आई थी, रामसर कन्वेंशन से. सो एक द रामसर कन्वेंशन इट वॉज वी कैन से दैट रामसर साइट जो टर्म है इट वॉज क्वाइंड व्हेन द इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बेटलैंड्स इट वॉज साइंड एट ए सिटी ऑफ द ईरान रामसर, ओके, इन 1971 में, ठीक है. सो एक ईरान की सिटी है रामसर,
वहां पे कन्वेंशन हुई थी फर्स्ट टाइम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बेटर लैंड एरियाज ड्यूरिंग 1971 में. तो फ्रॉम दैट पीरियड एक्चुअली दिस रामसर साइट टर्म इट हैज बीन क्वाइंट. एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया बिकम द पार्टी ऑफ दिस कन्वेंशन बिकेम द पार्टी ऑफ दिस कन्वेंशन. सो वी कैन से दैट दिस कन्वेंशन इट वाज एंटर्ड इनटू द फोर्स इन इंडिया ड्यूरिंग 1st of Feb 1982. ओके सो दिस रामसर कन्वेंशन मींस वी कैन से दैट दिस रामसर साइट्स और होती क्या है कि दीज आर दिस ट्रीटी एक्चुअली इट इज मेनली फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द वेटलैंड्स recognizing the fundamental ecological functions of the wetlands and their economic, cultural, scientific and recreational value. Okay, so hum India ki baat kare to India recently has current data ke according to current data India recently has 42 Ramsar sites hain. Ramsar sites means wetland areas mein jo ki aise Ramsar site declare kiye gaye hain India mein. Theek hai, to India mein kitne hain? 42 Ramsar sites hain. Okay, so these are the locations of Ramsar sites in India, 42 Ramsar sites in India, and this is a list in complete, you can see that comprehensive list full of full Ramsar sites in India, which are 42. Okay, so like you can see that Pong Dam Lake in Himachal Pradesh, okay, Ropar Lake in Punjab area, okay, Sandy Bird Sanctuary hai, okay, in the Uttar Pradesh, okay, then you have a Kavartar Lake in the Bihar, Lonar Lake in the Maharashtra, okay, then your Anjali Lake in Punjab, okay. So like that in the different states there are different Ramsar sites. So total number is 42. Okay, current list. So they have researchers have also highlighted the role of these odonates in the pest control actually. So they have found that thousands of these migratory dragon flies जो होती हैं एक्चुअली यू कैन से दैट ओडोनेट्स दे रोम इन द स्काई ड्यूरिंग द पोस्ट मॉनसून सीजन पर्टिकुलरली इन द मंथ अक्टूबर एंड नवंबर. But they have researchers have said that particularly they need further further investigations or further experiments to clearly dedicate or we can say that to clearly predict their role in controlling the pest of agricultural fields, okay, which are harmful for the agricultural field, okay. And if you see that this coal wetland area jo hai, if you see that of the total species, total number of odonate species which are found in the Kerala state, so among that 1/4, you can say about 25% of the species, they are restricted to this coal wetland area only, okay, means this coal Ramsar site only, okay. And these odonates, okay, if we say that they depend on the fresh water for completing their life cycle, okay, because you know that during the larval stage, okay, means when they hatch, when they lay their eggs near the water or in the fresh water or in the water, okay, and near the water, okay, fresh water, and then during the larval stage also they remain active in the aquatic conditions only, means in the water only, and when they become adult they become aerial or you can say terrestrial, okay. So we can, that's why we can say that this fresh water or means that is important for completing their life cycle, okay. And that's why these ये जो ओडोनेट्स हैं दे आर आल्सो इंडिकेटेड एज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, ओके, और यू कैन से दैट माइक्रो इकोलॉजिकल बैरोमीटर फॉर द एनवायरमेंटल डैमेज, ओके. सो दे आर आल्सो इंडिकेटेड एज एक्सीलेंट इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ और यू कैन से दैट मैक्रो बैरोमीटर, मैक्रो इकोलॉजिकल बैरोमीटर फॉर असेसिंग द एनवायरमेंटल डैमेज, बिकॉज दे आर हाईली सेंसिटिव टू मीन्स एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेसेस और which are the stresses caused due to the caused to the environment by the anthropogenic activities like pollution, habitat loss and climate change, okay. So with this I hope agar aapko aaj ka lecture acha laga hoga to please share karein, subscribe karein, like karein, and with this I would say thank you, stay happy, stay blessed and stay safe. Thank you.